Hello students. I am providing you a very very important central idea and explanation of the poem My Heaven, composed by Rabindranath Tagore. This is very very important video for all of you. So first I am coming to the central idea of the poem. The central idea is My Heaven is an inspiring poem. My Heaven a प्रेरणादायक कविता है इन दिस पोएम द पोएट हैज़ गिवेन द पिक्चर ऑफ़ एन आइडियल इंडिया ऑफ हिश ड्रीम्स इस कविता में कवि अपने सपनों के आदर्श भारत को चित्रित करता है ही ट्रेस टू गॉड दैट द पीपल ऑफ़ हिस कंट्री शुड बी फेयरलेस एंड ब्रेव वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके देश के लोग निर्भीक और साहसी बने नॉलेज शुड बी फ्री फ्राओ फॉर ऑल इंडियंस ज्ञान सभी भारतीयों के लिए स्वतंत्र हो हीच कंट्रीमैन शुड नाट बी नैरो माइंडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कास्ट क्रीट कलर एंड लैंग्वेज उसके देशवासी जाति पाति रंग भेद एवं भाषा के विषय विशे, विषय में संकीर्ण विचारधारा के नहीं होने चाहिए नेक्स्ट पेज they should be reasonable and progressive in outlook and also should try their best to keep their country united। वे इस दृष्टिकोण में विवेकी और उन्नतशील होने चाहिए और अपने देश के और अपने देश को संगठित करने की उन्हें सबसे अच्छी कोशिश करनी चाहिए देश शुड बी ब्लस्ट विद फ्रीडम नाट बाई एनी कस्टम्स उन्हें किसी भी रीति रिवाज से नहीं बल्कि आज़ादी का आशीर्वाद दिया जाना चाहिए टैगोर वांट्स हिस कंट्री शुड बी परफेक्ट रीजनेबल एंड शुड आलवेज ट्राई फॉर परफेक्शन टैगोर चाहते हैं कि उनका देश पूरी तरह से वाजिब हो और हमेशा पूर्णता के लिए लोग प्रयास करते रहें फाइनली अंत में हिज कंट्री विल बी अवेन इन इट्सैल्फ अंत में उनका देश अपने आप में स्वयं स्वर्ग बन जाएगा तो पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पोएम में ये सेंट्रल आइडिया के द्वारा लोगों को संदेश दिया है नाउ आई एम कमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर फॉर द फॉर द एक्सप्लेशन द स्टेंजर इज तो पीस पोएम का है पी से वेर द क्लियर से लेकर डॉट कंट्री अवेट तक तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं कोई भी पोएम है इसका एक्सप्लानशन करने के लिए पहले सबसे पहले रिफरेंस लिखा जाएगा रिफरेंस क्या है दीज लाइन्स हैव बिन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम माई हेवन कंपोज बाई रविनाथ टैगो जिसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं उसके बाद हमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट द कॉन्टेक्स्ट इज द पोएट एक्सप्रेसेस द डिजायर फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री ही पुट्स एन आइडियल पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया कवि अपने देश के चहू और विकास के लिए इच्छा करता है और प्रस्तुत करता है और वह अपने स्वतंत्र भारत के आदर्श चित्र को भी प्रस्तुत करता है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है ही प्रेस टू गॉड टू मेक हिज कंट्री यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग एंड प्रोग्रेसिव ही वॉन्टेड टू मेक हिज कंट्री हैवन ऑन द अर्थ वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उसके देश को संगठित सशक्तिशाली और उन्नतशील बनाए वो अपने देश को इस पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना चाहता है तो पोएट की यही विचारधारा है तो ये कॉन्टेक्स हमें लिखना है अब इस कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लोग चलेंगे एक्सप्लेनेशन की ओर कि क्या एक्सप्रेस कर रहा है इन दिस पोएम ये हमारा एक्सप्लेनेशन है इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस हिज लाफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम लाफ्टी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ही वॉन्ट्स फ्रीडम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सोशल और स्परिचुअल इस कविता में कभी हमें यह वर्णित करता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सेप्ट जो है आज़ादी का कॉन्सेप्ट कैसा है उसके लिए बहुत ही बिग है ही वॉन्ट फ्रीडम वो आज़ादी को चाहता है कि प्रत्येक क्षेत्र में जीवन में आज़ादी जो हो चाहे वो सोशल हो चाहे आध्यात्मिक हो पूरी तरीके से उसकी आज़ादी प्राप्त होनी चाहिए ही प्लेस टू गॉड टू मेक हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द यूजलेस हैबिट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पॉस्ट वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो उसके देश को निरर्थक आदतों और प्राचीन भूतकाल की निरर्थक चीज़ों से बचाएं दे डू नाट बिकम स्लेव मोर टाइम्स वे लोग अब ज़्यादा समय तक स्लेव या दास बनना नहीं चाहते हैं कौन वे लोग कौन वे पीपल लो जो इंडियंस हैं क्योंकि वो गुलामी के दास्ता में अभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी के दास्ता में जग हैं तो पोएट अपने देशवासियों के लिए ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहा है कि वो उसके लिए किसी प्रकार से कोई रास्ता निकाले जिससे कि लोग गुलामी के बंधनों से स्वतंत्र हो पाए। द पोयट विज डैट हिज कंट्री मैन शुड बी ऑनेस्ट ट्रुथफुल सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग तो कभी विश करता है इच्छा करता है कि उसके देशवासी ईमानदार सत्यवादी गंभीर और परिश्रमी हो जाएं। दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन देयर आउटलुक वो देखने में कैसे हो जाने प्रोग्रेसिव बहुत ही उन्नतशील हो जाने चाहिए दे शुड नॉट एक्सेप्टेड आउटडेटेड बिलीवस एंड कस्टम्स वे बेकार के या आउटडेटेड विश्वास और प्रथाओं में रुचि न लें और उनको स्वीकार ना करें दे शुड एक्सेप्ट न्यू आइडियाज सोडे शुड बी प्रोग्रेसिव इन थाट एंड एक्शन वे नए विचारों को स्वीकार करें जिससे कि देश शुड बी प्रोग्रेसिव इन थॉट एंड जिससे कि वे लोग अपने विचारों और क्रियाओं में प्रोग्रेसिव कर सकें उन्नतशील बन सकें द पोएट प्लेस टू गॉड टू ब्लेस हिज कंट्री विथ फ्रीडम तो कभी ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि वो उसके देशवासियों को आज़ादी की ओर लाएँ आज़ादी दिलाएं तो कभी ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि वह उसके देश को स्वतंत्रता का आशीर्वाद दें नेक्स्ट he imagines a country where the people's minds should be free from fear and narrow mindedness there should be no distinction of caste race or language he wanted to make his country heaven on this earth वह ऐसे देश को सोचता है जहाँ लोगों का मस्तिष्क भय और संकीर्ण विचारधाराओं से स्वतंत्र हो जहाँ जाति भेदभाव रंग भाषा आदि में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो ही वॉन्टेड टू मेक हिज कंट्री वो अपने देश को इस पृथ्वी पर स्वर्ग बनाना चाहता है तो पोएट यही इमेजिन कर रहा है नेक्स्ट पेज तो पीस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के बाद एट लास्ट हम लोग पोइटिक ब्यूटी लिखेंगे कि क्या पोए पोएम में क्या चीज़ यूज़ की गई हैं तो पोइटिक डिवाइस या पोइटिक ब्यूटीज़ हैं तो पहले पॉइंट में हमने लिखा द लैंग्वेज ऑफ द पोए इज सिंपल इजी एंड लूसिड लैंग्वेज कैसी पोएम की सिंपल है इजी और लूसिड है प्रिय है पॉइंट नंबर सेकेंड था द राइम गिव्स इट अ लास्टिंग मेलोडी मतलब जैसी पोएम में कैसी मेलोडी है द पोएम इज़ फुल ऑफ ऑप्टिज्म एंड क्लियरली सोच द इंडिपेंडेंट स्प्रिट ऑफ द पोएट पोएम कैसे अपनी आशावाद पर जुड़ी हुई है और पूरी तरीके से पोएट की स्प्रिट कैसे स्वतंत्र होने की भावना को प्रदर्शित करती है पॉइंट नंबर फोर तीन मोस्टली लिखे जाते हैं मगर चार में से किसी के तीन पॉइंट को लिख देना है द पोएम कंटेंस ए नंबर ऑफ ब्यूटिफुल मेटाफोर्स पोएम में क्या है अत्यधिक मेटाफो फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है बहुत अच्छी तरीके से तो इस प्रकार से इस पोएम में आपने देखा है सेंट्रल आइडिया और एक एक्सप्लेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप सभी लोग लिख कर राइट डाउन कर सकते हैं दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग